खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। महोबकंठ मामला महोबकंठ थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़िया का है, जहां पर ग्राम के एक दबंग ने एक दलित महिला के साथ जबरदस्ती करनी चाही। एक दिन महिला नल पर पानी भरने गई थी तो दबंग ने महिला को अकेला पाकर गलत इरादे से उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा। महिला ने दबंग का विरोध किया और चिल्लाई तो दबंग जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। महिला 3 दिन से बराबर थाने आ रही है और स्थानीय पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। आरोपी को पकड़कर थाना प्रभारी थाने में बैठाए हुए हैं। क्या नाम? शिवानी। कहाँ से हो? पहाड़िया। क्या माजरा है आपका, बताइए। माजरा ये है कि एक लड़का मतलब पीछे भारत सिंह काफी दिन से पीछे पड़ा हुआ है, उसे काफी दिन से छोड़ रही हूँ पर वो मान नहीं रहा है। फिर एक दिन उसने रात को पानी नहीं में खा करी गई, 6-7 बजे की बात है, 6-5 बजे तरफ की बात है, 5 बजे तक की बात है, और पानी भरने गई तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया तो मैंने इसको मनाने की, वो मैंने माना, मना भी किया, फिर ये नहीं माना, तो उसने मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी। फिर कुछ नहीं, फिर मैं चली गई डर की वजह से, कुछ नहीं। फिर उस दिन वो बात हो गई, मैंने इनको भी नहीं बताया। फिर लगाया वापस फ़ोन, इन्हें फ़ोन लगाया, एक दिन मुझे पर्ची दी, इन्हें परसों की बात है, परसों से मुझे पर्ची दी, तो फिर मैंने अपने पति को बताया, उन्हें फ़ोन करवाया मेरे से, तो उल्टी सीधी बातें बोल रहा था कि दोस्ती करनी मुझे ये वो वगैरह वगैरह बोल रहा था, फालतू चीज़ें। आपने आपने पुलिस को जब इन्फॉर्म किया? हाँ जी, परसों किया था, परसों से पुलिस अभी तक नहीं गई है। फिर हम सुबह 8 बजे आए, वो भी पुलिस कह रही है कि मतलब आप लोग 8 बजे इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी। मुकेश है, ग्राम पहाड़िया का रहने वाला हूँ। माजरा है कि मेरी वाइफ ने बताया मुझे कि मुझे कोई परेशान कर रहा है हेडपम्प पे, तो मैंने इसकी बात इग्नोर भी करा कि आप झूठ बोल रहे हो। तो इसने बताया कि नहीं हकीकत है, तो इसने बताया कि मुझे कोई लड़का है, तो फिर मैंने मेरी पर्ची दे रहा है वो, तो मैंने आप पर्ची ले लो, पर्ची लेके आई तो उसने दिखाया, तो फिर मैंने पर्ची पढ़ी, वो उसमें पढ़ के फिर मैंने वो नंबर लगाया तो समझ में आया भारत जी थे, ये भारत सिंह नरेंद्र दास के बेटा छोटे वाले, ये परेशान कर रहे थे, पता नहीं इसका हाथ सब पकड़ा नहीं पकड़ा, मुझे नहीं पता। तो किसी और परसों की बात है, पर ये छेड़खानी कर रहा, इसने कल भी आके घर पे चक्कर रख कर काटे हैं और काफ़ी बात करी है, और ये कह रहा अगर नहीं आप बात मानोगे तो धमकी दे रहा है इसको। कैसी धमकी? मार दूंगा चांस से अगर तुम किसी को बताया, अपने पति को, गाँव में किसी को बताया तो। खबर समय जगत के लिए महोबकंठ महोबा से अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।